नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज और मैं हूँ राशि। ग्वालियर में डंपर एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय में धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। डंपर संचालकों ने कहा कि पुलिस उनसे अवैध वसूली करती है और खनिज विभाग के अधिकारी उन्हें बिना वजह परेशान करते हैं। डंपर संचालकों ने एक ज्ञापन के माध्यम से अवैध वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही, बिना वजह परेशान करने वाले खनिज विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसने और अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए दो चौकियां बनाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने खनिज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें उचित कार्यवाही करने का भरोसा भी दिया है। ये सभी हमारी यूनियन के सदस्य हैं। हमारी एक छोटी सी समस्या है कि ओवरलोड के नाम पर कुछ लोग, प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे प्रताड़ित करता है, एंट्री वसूली करता है। अंदर सिटी में जहाँ से गाड़ी भर के लाते हैं वहाँ से खाली करने तक 20 थाने होते हैं, कहाँ कहाँ हम एंट्री देंगे। इसलिए हम सब लोगों ने इस परेशानी से त्रस्त आकर के सब लोगों का सम्मेलन करके संबंधित व्यापारियों का और 28 अक्टूबर 2017 को अड़ूपुरा त्राय पर सबका सम्मेलन करके एक यूनियन का गठन किया है। उसका अध्यक्ष अपन ने बिरजू सिवरे को बनाया है और ऐसे ही 5 लोगों की पदाधिकारी बनाए हैं और उस यूनियन से पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर और जिलाधीश महोदय ग्वालियर दोनों को अवगत कराया गया है, खनिज अधिकारी को अवगत कराया गया है, संबंधित थानों को सूचना दी गई है। इसलिए नहीं हो रही है कि हमारी लड़ाई प्रशासन से ही है। कोई प्रशासन के द्वारा ही, प्रशासन के कुछ लोग जो अवैध काम कराना चाह रहे हैं वही अवैध काम कर रहे हैं, उनके संरक्षण में अवैध काम चल रहा है। तो हम जब प्रशासन के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी सुनवाई थोड़ी लेट होगी, लेकिन होगी जरूर। कोई अधिकारी आंदोलन की नहीं होगी तो हम तो 4 दिन से कर ही रहे हैं। अभी तो जिलाधीश महोदय के पास हम पहली बार आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हमने उनको बताया कहाँ कहाँ डील बोल है और कहाँ कहाँ से अवैध काम चल रही है, उनको सब अवगत करा दिया है। उनने माननीय अधिकारी को बुलाया भी है, बोनी के पास हैं अभी, उनको वो सूचित करेंगे। हमसे भी बोला है कि आप पे अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई आती है तो हम माननीय अधिकारी को सूचित करें, मैं उनसे बोलता हूँ, वो आपकी सुनेंगे और कार्रवाई भी करेंगे अवैध वालों पर। तो तीसरी हमारी मांग ये है कि विधिवत नाके 2 लगाए जाएँ जो कि 24 घंटे रहें, उनकी अधिकारी उनको लिए अपन किए जाएँ, अधिकारी मॉनिटरिंग करें उन नाकों की, कि उनसे नाकों से कोई भी गाड़ी ओवरलोड प्लस अवैध माल लेकर ना निकले। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।